सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि IEF फैलकॉन ने अपनी लेटेस्ट स्मार्ट टीवी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है। उस टीवी का नाम है IEF फैलकॉन K7255 और इस टीवी की सबसे अहम खासियत कि इसके ज़रिए आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। IEF फैलकॉन K7255 इंच का 4K स्मार्ट टीवी है जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया है। इस टीवी को TCL इंडिया ने लॉन्च किया है। IEF फैलकॉन K72 में वीडियो कॉलिंग के लिए एक्सटर्नल कैमरा दिया गया है। IEF फैलकॉन K72 टीवी के साथ एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और कंपनी AIPQ इंजन है जो कि एक रियल टाइम वीडियो और विजुअल ऑप्टिमाइज करता है। टीवी के साथ कई सारे HDMI और USB पोर्ट दिए गए हैं। IEF टीवी के प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 51,999 रुपीस रखी गई है और इसकी सेल फ्लिपकार्ट से स्टार्ट हो गई है और ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है। टीवी के साथ एक साल की वारंटी भी मिलेगी और टीवी को 1,778 रुपये की EMI पर भी ख़रीदा जा सकता है। IEF फैलकॉन K72 टीवी के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। टीवी के साथ एक्सटर्नल कैमरा भी दिया गया है जो कि वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है। इसके अलावा इसमें HDR10 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें MEMC-B जिसे लेकर स्मूथ विजुअल का दावा किया गया है। TCL का दावा है कि इस टीवी पर गेमर्स लैग फ्री और ब्लर फ्री गेम खेल सकेंगे। टीवी के पैनल की क्वालिटी QLED की है। टीवी के साथ नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे ऐप्स प्री इंस्टॉल मिलेंगे और अदर ऐप को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट दिया गया है तो आप अदर ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इस टीवी के साथ एलेक्सलो AIoT का भी सपोर्ट दिया गया है जिसकी मदद से टीवी के ज़रिए स्मार्ट होम की कई डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। टीवी के साथ हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल 2.0 का सपोर्ट दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 3 HDMI 2.1 पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 ईथरनेट पोर्ट, 1 SPDIF पोर्ट, 1 ब्लूटूथ, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ये सारे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं और इस टीवी का कुल वेट 11 किलोग्राम है। रिमोट के साथ गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी इस टीवी में दिया गया है तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्ट टीवी है। उसी हिसाब से इसके प्राइस भी रखे गए हैं। फ़िलहाल ये अभी लॉन्च हुआ है तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।